फिर उन्होंने बता दिया था वहीं उसी टाइम उनको कुछ नॉलेज था इस चीज़ के बारे में कि भाई ये जो है भाई आपको लेप्रोसी हो गई है भाई, तो आप जो अगले पी जी आई चल जाओ चंडीगढ़। तो यहाँ मंडी मुंडी का शायद उनको पता नहीं था भाई यहाँ क्या कुछ नहीं क्या। फिर मैं घबराहट के मारे ऐसे ही हो गया भाई भाई कर तक ये इतनी अगर दाग खुल भाई इसके लिए पी जी आई जाना तो ये कोई खास ही चीज़ होगी। फिर मैं ऐसे दड़ा रहा मना क्या होगा ये कुछ नहीं होता। फिर आस्ते आस्ते मतलब बड़ी स्लो एक्शन करता बस। फिर जो है 7-8 साल के बाद जो है थोड़े थोड़े दाग निकलने पीठ में या इसमें, और एक दाग लेप्रोसी का नहीं होगा, मतलब लेप्रोसी का दाग वही माना जाएगा जिस पर जो है गोली लगाने से या कांटे लगाने से कोई फर्क नहीं, दाग कई चीज़ के होते हैं कई कक्षों के होते हैं पर ऐसे नहीं बस। फिर थोड़े थोड़े दाग मेरी पीठ में भी आने शुरू हो गए, बस कोई पीठ में आ गई बात क्या बात क्या। फिर मैं यहाँ से रात्रि ड्यूटी आता हूँ गार्ड के लिए मिले में, तब मैंने चेक कराया था। फिर इन्होंने देखा भाई यहाँ ऐसे ऐसे भैया लेप्रोसी, फिर यहाँ मेरे को भेजा यहाँ स्लाइड गिरे यहाँ लेते थे ना यहाँ था हॉस्पिटल लेप्रोसी, रोकथाम करने के लिए कोई चीज़ नहीं थी ऐसे भाई इसका रोकथाम की जाए। डी डी एस ने जो है मेरे को मतलब महीना डेढ़ महीना खाने के बाद जो है मतलब उसने इंजेक्शन कर पूरे जिस्म में जो है कोई भी सुई रखने के काबिल भी जगह नहीं रही भाई कहीं भी बासन तक भी सारे मतलब क्लीनिंग आ गई इस पूरे जिस्म में दाने दाने निकले। फिर उसके बाद उस रक्षण से निकला जो दवाई देने आते थे हमें गांव गांव आते थे ना पहले, फिर ऐसा होता था कि चोरी छुपी दवाई आते थे गांव में भाई वो डेट फिक्स कर देते थे। फिर जब मैंने उसको बोला उधर सर का रास्ता था संतराम लोहिया वो आता था दवाई साइड जो हमने पढ़ते थे हमारे पास, फिर जब उसने दवाई वगैरह दी फिर मैंने कहा मेरे को ऐसा ऐसा हो रहा है क्योंकि इससे मेरे को तो रक्षण हो गया बुरी हालत हो गई मेरी बस। वो अपने होमगार्ड में था कि लिद्दे का था इधर डॉक्टर जरा तो बचा गया उस टाइम बस। फिर मेरा मतलब पूरी चमड़ी ना खुनता तो उस टाइम मेरे को मतलब यहाँ मंडी भेज देता तो यहाँ और कुछ ट्रीटमेंट होने से मेरे को मतलब ये चीज़ों से मैं बच सकता उस टाइम मेरे हाथों में सुन गई नहीं। फिर उसने दवाई बंद कर दी, मैं भी 8-10 साल चला रहा ठीक माड़ा मोटा थोड़ा तुलसी होता रहा करता रहा इलाज करता रहा दवाई गोली ले ले कभी इंजेक्शन का दिया कभी कुछ कर दिया बस। 8-10 साल बाद के फिर बाद में मतलब थोड़ी थोड़ी सुनगी आनी शुरू हो गई उस टाइम भी मैं ड्यूटी था पर आउट में, फिर कभी इस उंगली में आ गई था उतने को दूसरी में तीसरी में चौथी में, फिर जो है मतलब नज़र से ही काम करता था पर कुछ पीछे मतलब कोई भी बटन चढ़ाना या कुछ करना तो वो नहीं स्वर मतलब तक नहीं। फिर मैं फिर जिसम इतना लूज हो गया कि चाय की पहली मतलब ऐसी मान लो मेरे हाथ में पकड़ा दी मैंने पकड़ी और नीचे रख ली उतने को भी दाग हाथ में पड़ जाएगा पपोला आ जाएगा छाला आ जाएगा। फिर मैंने कहा तो बड़ी मुश्किल होगी, फिर मैं 1.5 महीने बाद उसे आ गया, फिर ऐसे दवाई दोबारा शुरू कर दी थी मैंने वो तो दवाई खानी ही नहीं कि वो पकी हुई ककड़ी नहीं हुई जड़ी फट जानी उस तरीके से सारा जिसम हो जाना एकदम टाइट हो जाना जिसम और सोजिश आ जानी जिसम, फिर दवाई भी छोड़ दी। फिर मैंने कहा जब ये दवाई मेरे को मतलब डी डी एस से नहीं डाइजेस्ट हो रही है वो तो जब इस बीमारी की दवाई है ये तो ये मेरे को हजम नहीं हो रही है तो मतलब कुछ और ही है होते बस। फिर खाना पीना सब कुछ छूट गया था, फिर मैंने तो ऐसा सोचा था कि चलो घर में ही मरे तो बाहर क्यों जाना है, तब थोड़ी देरी बाहर ही की मतलब 2 चमचे दूध के पीने तो वो भी जब तक तो उल्टी के साथ बाहर नहीं हुए तब तक चाय नहीं है रोटी 2 करा खाने तो तब भी बाहर। फिर उसके बाद जब घर वाला ने भी कुछ हटी लाई कि नहीं ऐसा नहीं होता अभी इलाज होता है होता सब कुछ होता है चलो चलो, मैंने कहा चलो भाई और इतना जरूरी है कि 8-10 घंटे लगने हैं तो मुक्की। फिर ऊपर आया हॉस्पिटल में आया उधर फिर मैंने उनको सारी ट्रीटमेंट बताया, जख्म पड़ गए थे मतलब जख्म पड़ गए थे पता नहीं लगता, अब दरवाजा खुद ही चढ़ा रहा है खुद ही अंगूठी चल गई है पार पूरा काम चढ़ा दिया
जब खुद लगा ना निकल कर वही दुखी फसल अरे देखो बखीरा बनेगा प्रॉपर तो नहीं लगता था पता कोई भी कोई चीज़। ये तो मतलब ऐसे कि ये जितने भी बचाए हैं हमने हर एक ठंडी चीज को भी गर्म चीज से मतलब तो काम करना पड़ता है सारी। फिर यहाँ आया फिर यहाँ दाखिल हो गया फिर इन्होंने मेरे को एक गोली डेली जी डी एस की दी तो 19 गोलियाँ देते थे इसको कंट्रोल करने के लिए पेंसिल 19 गोलियाँ खड़ी कटी तब वो एक डी डी एस 19 गोली एक हफ्ते के बाद जो एक गोली बता जब पूरा हफ्ता हो जाना फिर अगले हफ्ते में 18 वैसे करते 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 जीरो पर पहुँचा फिर डी डी एस की उसकी उसने को जो है दूसरी दवाई निकली एम डी टी निकली फिर उसके वो भी मैंने खा लिए करके साल दो साल तो खाता मिल जाती थी चलो इसके नुकसान तो क्या हो ठीक ही है फिर वो भी खाई चली फिर बस उसके बाद मतलब जहाँ तक था जो कुछ हो गया था वो उतना ही बस उसके आगे जो मुझे आज दिन तक कोई खाना मौसम सब कुछ परेशान करता बस पर है न जैसे बेचारा आग तो हमारे लिए ऐसी भाई आग तो पता नहीं लगता ना कोई भी गर्म चीज़ पर हम जो है मतलब हमने एक ही चीज़ रखी है भी जो ठंडी चीज़ भी है उसको भी गर्म समझ कर पकड़ना या कोई उसका कपड़ा कुपड़ा लेकर या कोई चीज़ लेकर उसको पकड़ना ऐसा ही है। इसके ऐसा भी होता है कि वो आई साइड होते हैं हमारे ये भी चले जाते हैं बाढ़ में ये भी एक लक्षण होता है इसका बस। दूसरा चेहरे से भी कुछ जाना जाता है चेहरे का रंग तब्दील भी हो जाता है कुछ भी हो जाता है जब पक्के हो जाते हैं दवाई खाते सब कुछ भी होता है उसके बाद जो फिर एक रंग पर भी आदमी जो है उसके बाद जो है कोई खाते अब सवाल ये होता है कि आप बोलते तो भैया कई बोलते ना भैया आप काम करो ये करो से जरा हमें पता कि हमें अपनी लाइफ कैसे बचानी है चार दिन जिंदगी के रहे वो कैसे गुजारनी है। अगर हमें कहीं लग गई लगने को तो पता नहीं लगता है भाई कोई भी चीज़ आधा पर गिरी गिरी कुछ भी चोट लग गई हमें पता तब ही चलता है जब खून चल पड़ता कि वो मेरे को तो लग गई फिर जख्म पड़ जाता है। अब सुनगी का जख्म इसके सर्कुलेशन जो है मतलब चमड़ी ज़्यादातर इसको चमड़ी का ही रोग बोलते हैं वैसे ये चमड़ी की सतह जो है मतलब गहरी हो जाती है काफ़ी हद तक डिप करे तो मतलब अंदर हमें पता लगता है इस चीज़ का पर बाहर की जो नसें हैं मतलब वो सारी डेड रहती है काम नहीं करती हैं सर्कुलेशन नहीं पहुँचाती है ठीक ढंग तो सर्कुलेशन नहीं पहुँचाए तो जख्म भी ठीक से नहीं भरते तब काफ़ी समय लगता है टाइम लगता है भाई इसलिए जो है हमें अपना जिस्म बचाना पड़ता है कि चलो अपना खाना पीना तो ज़्यादा नहीं हो तो खाना पीना तो परिवार कहाँ बैठेगा हमें यहाँ खाना खिलाना है कि हमें घर चलाना है क्या करना है सुन लिया आप इनको देखो आप पर बाबा अपना चश्मा निकालो तो he has lost his one eye ये भी मतलब इसकी जो नस से डेड हो गई ना डीडीएस खाने से मतलब और इसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। मैं फिर डॉक्टर ने इसको निकाल ही दिया ठीक है और अपने हाथ दिखाओ ऐसे क्लॉज एंड हो गए ऐसे ठीक है अब इनको पांव दिखा सकते हैं अपना तो बड़ा जकड़ा हुआ है